Let's do question number third of exercise 2.4, that is fraction and decimal. Question number third is find. हमें find करनी है इसकी value. तो first part लिख लेते हैं अपना. First part है हमारा 7/3 divided by 2. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए first value 7/3 as it is रहेगा हमारा. तो 7/3 लिख दिया. डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चंस में कि डिवाइड के बाद जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर देते हैं डिवाइड के साइन को, तो जो हमारा डिवाइड के बाद वाली वैल्यू होती है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में. तो 2 न्यूमरेटर में है तो अब कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा? अब देखिए कुछ कैंसिल होता है तो काट दीजिए, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 7 1s 7 एंड 3 2s 6. अब या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं. बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज 4/9 डिवाइडेड बाय 5. तो देखिए 4/9 एज इट इज आ जाएगा. डिवाइड को अब हम मल्टीप्लीकेशन बना देंगे और क्योंकि 5 न्यूमरेटर में है तो अब कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में. तो ये कितना आ जाएगा? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई. तो 4 1s 4 एंड 9 5s 45. तो 4/45 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज 6/13 डिवाइडेड बाय 7. तो ये कितना आ गया? देखिए 6/13 एज इट इज, डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई और 7 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. अब ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1s 6 एंड 13 7s 6 1s 6 एंड 13 7s 91 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट इज 4/1/3 डिवाइडेड बाय 3. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. 3 4s 12 + 1 is 13/3. अब डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया. अब क्योंकि 3 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. दैट्स इट. कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई. 13 1s 13 और नीचे की नीचे. तो 3 3s 9 इज द आंसर. लेट्स डू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 3/1/2 डिवाइडेड बाय 4. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. 2 3s 6 + 1 is 7. 7/2. अब डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और 4 क्योंकि न्यूमरेटर में था ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऊपर की ऊपर 7 1s 7 और 2 4s 8. तो 7/8 इज द आंसर. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. सिक्स्थ पार्ट इज 4/3/7 डिवाइडेड बाय 7. तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेंगे. 7 4s 28 29 30 31. तो 31/7 और डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और 7 न्यूमरेटर में था अब डिनोमिनेटर में आ गया. तो ये क्या आ जाएगा? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 31 1s 31 एंड 7 7s 49. तो 31/49 इज द आंसर.